अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नोमी 47 गेमिंग। तो भाई यार, काफ़ी भाई मेरे को बोल रहे थे यार, मेरे जो सब्सक्राइबर नहीं है ना, मेरे को बोल रहे थे भाई यार, कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारे को मैचिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है भाई, फेस करने को मिल रहा है ऐसी है FPP के अंदर, सोलो FPP के अंदर एंड डुओ FPP के अंदर एंड स्क्वाड FPP के अंदर। मेरी जान, ये जो मैं आप लोग ट्रिक दूंगा ना, अगर आप लोग ये ट्रिक यूज़ करेंगे ना, आपका जो प्रॉब्लम है ना 100% दूर हो जाएगी, टाटा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी मेरी जान। इसके अलावा अगर किसी भाई को TTP के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। अगर ये ट्रिक यूज़ करते हो ना, तभी आप लोगों को पता चलेगा। बाकी मेरी जान, मैं अभी से कह रहा हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को यार, वीडियो को नहीं, सॉरी, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब तब जाके कर लेना जब आपका ट्रिक वर्क करे, तब सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो वर्क पहले सब्सक्राइब ही बिल्कुल भी नहीं कर लेना। तो चले मेरे जान, जैसे हम यहाँ पे सेटिंग के ऊपर टैप कर लेते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे FPP लगा लेने हैं, TPP लगा लेने हैं, सही है। तो मैं तो आप लोगों को FPP का बता रहा हूँ। आप लोगों ने FPP लगाने के बाद यहाँ पे मैप्स डायरेक्ट एक मैप सेलेक्ट नहीं करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे रेंडम मैप्स में आ जाना है एंड यहाँ पे वो मैप सेलेक्ट करना है जो आपको पसंद है, सही है। तो यहाँ पे एरेंगल तो भी पसंद है, एरेंगल लगा लिया, एरेंगल फुटबॉल मैनिया लगा लिया एंड लिविक लगा लिया, जो आपको मैप पसंद है ना वही मैप यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर लेना है एंड यहाँ पे ऊपर सेटिंग में आ जाना है, इसको कर लेना है मैच लैंग्वेज को बिल्कुल डिसेबल, ये चीज़ लाजमी से कर लेना है। अगर ये मैच लैंग्वेज को डिसेबल नहीं करोगे ना, तो प्रॉब्लम फिर से ही देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ करने के बाद रेंडम मैप्स के ऊपर टैप कर लेना है एंड अपने गेम को स्टार्ट कर लेना है मेरी जान। 100% जब आप लोग टैप करेंगे ना, टैप करने से ही आपका मैच स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी आप लोगों को फिर ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। 100% वर्किंग ट्रिक है भाई, OP वाला ट्रिक है ये, जो अगर आप लोग ट्रिक आजमा लेते ना, आपका जो प्रॉब्लम है ना पहले से नस्बत से पहले ही बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी यार, अपने भाई की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।